मतलब ग्राहक पर डिपेंड है, कोई ग्राहक ग्राहक 10 का भी दे रहे हैं, 12 का भी दे रहे हैं, और छोटे वाला जो 25 पीस का करके हम 15 का भी दे रहे हैं, 15 का भी दे रहे हैं, तो मतलब प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है। तो बिजली का बिल वगैरह क्या आ जाता है आपको? बिल वगैरह ये अगर दोनों टाइम चलाते हैं सुबह से शाम तक तो 1100 रुपए आता है, 1100-1200 की। ये एक महीने का एक दिन का? एक महीने का 1100-1200 रुपए जो है इनका बिजली बिल आता है। कमेंट्स कर रहे हैं कि इस बिजनेस में घाटा हो रहा, मैं मशीनें बेच रहा हूँ। तो दोस्तों उनको सीखना चाहिए कि मैडम मशीन खरीद करके और अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, जबकि यहाँ पे कंपटीशन बड़ा टफ है। बिजनेस में कोई घाटा नहीं होता है, करना आपको अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो घाटा होगा, आपकी मशीनें बिक जाएगी। दोस्तों मैं संजय कुमार वर्मा फिर एक नई बिजनेस आइडिया लेकर के, और आज ये सब बिजनेस आइडिया लेकर के आ रहा हूँ, और ये है पेपर प्लेट। पेपर प्लेट मशीन एक कौन कौन लोग चला करके इनसे कितने रुपए कमा सकते हैं, आज मुलाकात कराते हैं। हमारे दिल्ली से ही चंदर बिहार से आए हुए हैं मैडम जी, इनसे बात कराता हूँ। ये ऑलरेडी पहले से ये जो है ना दोना पत्तल का बिजनेस कर रहे हैं, और ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे इस बिजनेस में घाटा हो रहा है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, और ये मैडम जो है काफी दिनों से पेपर प्लेट का मशीन खरीद करके और पेपर प्लेट का बिजनेस कर रहे हैं। तो आज इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे सारी बातें इनसे पूछेंगे कि कितनी प्रॉफिट कर रहे हैं और कितने दिनों से काम कर रहे हैं और कब से पेपर वगैरह लेकर के कहां कहां सेल कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो मैडम जी एक बात बताइए कि जो है आप ये जो पेपर प्लेट का बिजनेस कब से कर रहे हैं आप? मुझे 6 महीने हो गए। 6 महीने से जितना भी सामान लेके आते हैं उसका हाफ हाफ बच जाता है। मतलब कि अगर आपने 1000 रुपए का पेपर लिया है तो 1000 रुपए में आपको जो 1000 प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो है आप खुद बनाते हो या किसी वर्कर लेबर से? खुद ही बनाती हूं। तो आप ये जो ले करके अपने जो है मशीन खरीद के घर से बना रहे हैं घर पे, या रेंट पे जगह ले रखे हैं आपने? नहीं नहीं सर, रेंट पे ली हुई है। रेंट पे जगह ले, तो देखना दोस्तों ये रेंट पे जगह ले करके जो मैडम जी है ये दिल्ली चंदर बिहार में ही है, इनका जगह है वहां पर रख करके किराया भी दे रहे हैं और इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और मैं इनसे बात कराता हूँ, पेपर जो है खरीद रहे हो कहाँ से खरीद रहे हैं आप? नरेना से। तो कितने रुपए किलो पेपर मिल रहा है अभी आपको? 50 रुपए। और ये जो अभी कौन कौन सी चीजें बना के बेच रहे हैं आप? हमारे पास बड़ा डूना 7 इंची, 6 इंची और 5 इंची। अच्छा, तो ये एक पैकेट में कितने पीस बेच रहे हैं आप, कितने पीस पैकिंग करते हैं आप? 20 पीस होते हैं बड़े वाले में और किसी में 25 होते हैं। अच्छा, किसी में 25 पीस होता है और किसी में 20 पीस भी होता है। तो जब आपने खरीदा होगा तो मार्केटिंग करने में आपको तो बड़ा स्टार्टिंग में बड़ा दिक्कत आया होगा? जी दिक्कत तो आती है थोड़ी, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, अभी खुद ही कॉल आ जाती है। अच्छा, अब मतलब शुरू में दिक्कत आया था और अब जो है ग्राहक खुद ही कॉल आता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो बना रहे हैं कि देखो कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दो, शुरू में हर भी काम में थोड़ी सी दिक्कत आता है, लेकिन क्या है कि जब धीरे धीरे काम करोगे थोड़ा सा लगे रहोगे तो ग्राहक खुद ही चल करके आपके पास आएंगे। तो एक पैकेट आप मार्केट में बेच रहे हो 20 पीस की, उसमें कितने रुपए का बेच रहे हो आप? जो बड़ा बंडल है वो मतलब 20 पीस का है, वो 12 का भी जाता है, 10 का भी जाता है। मतलब ग्राहक पर डिपेंड है, कोई ग्राहक 10 का भी दे रहे हैं, 12 का भी दे रहे हैं, और छोटे वाला जो 25 पीस का करके हम 15 का भी दे रहे हैं, 15 का भी दे रहे हैं। तो मतलब प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है। तो बिजली का बिल वगैरह क्या आ जाता है आपको? बिल वगैरह ये अगर दोनों टाइम चलाते हैं सुबह से शाम तक तो 1100 रुपए आता है, 1100-1200 की। ये एक महीने का एक दिन का? एक महीने का 1100-1200 रुपए जो है इनका बिजली बिल आता है, ठीक है। और ये पेपर मेरे पास लेके जाते हैं और मेरे यहाँ से पेपर ले जा करके और काफी दिनों से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार मैडम जी का जो है ना इनको वीडियो बनाना इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि इस बिजनेस में घाटा हो रहा, मैं मशीनें बेच रहा हूँ। तो दोस्तों उनको सीखना चाहिए कि मैडम मशीन खरीद करके और अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में, जबकि यहाँ पे कंपटीशन बड़ा टफ है, ठीक है। यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप सोचो अगर आप अगर घर पे बैठ करके और मशीन ले जाकर खरीद करके फिर मशीनें बेचते हो फिर कहते हो घाटा हो। तो दोस्तों बिजनेस में कोई घाटा नहीं होता है, करना आपको अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो घाटा होगा, आपकी मशीनें बिक जाएगी। ये मशीनें 6 महीने से ले जा करके चला करके और अच्छा खासा, एक बात अभी तो ये मशीनें खरीद रहे हो और इसे काम करो, इससे पहले कुछ काम करते थे? पहले तो मैं सिलाई का काम करती थी। अच्छा, पहले जो है सिलाई का काम घर में ही काम करते थे, पहले सिलाई का घर से काम कर रहे, तो अब ये जो मशीनें खरीद करके ले जा करके आप ये जो है ये दोना पत्तल बना करके मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि कहते हैं कि ये बिजनेस खराब है और बिजनेस में घाटा हो रहा, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं कोई घाटा नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं,
अच्छा, तो ये अभी वीडियो तो मैं फैक्ट्री से बना रहा हूँ अपने यहाँ से, तो मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आपके घर पे आकर के बनाऊंगा और दोस्तों पूरा दिखाएंगे इनके घर पे जाकर के, और ताकि आप जो है आपको ये समझ में आएगा कि बिजनेस में घाटा क्यों होता है और जो है प्रॉफिट कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों इससे ज्यादा लंबा बात नहीं करते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और कमेंट बॉक्स में कहीं से वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया देखें ताकि हम आपको थैंक्स करें, ताकि अगर कमेंट सजेशन कीजिए मैं उसको टिक करूंगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जय हिंद, जय।